अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। MM Academy ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए आने वाले हैं, और ये कोर्सेस हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो PDF है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और MM Academy ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि ईच न्यू डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योरसेल्फ, टेक इट एंड मेक इट द मोस्ट ऑफ इट। हर दिन जो आता है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसे आप गंवाइए मत। अगर कल कोई चीज़ आप नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज नहीं कर पाओगे। कल आप नहीं कर पाए, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी वो आप ग्रास्प नहीं कर पाए, लेकिन आज भी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज भी तो आप वो कर सकते हो। और अगर वो अपॉर्चुनिटी ना हो तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई और सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी अगर एक चीज़ की आपकी चली गई है तो दूसरी चीज़ में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। और इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि खुद को इम्प्रूव करना ये अल्टीमेट एम आपका होना चाहिए। किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। अपने आप को जब इम्प्रूव करोगे तो अपने लाइफ को आप एग्जामिन कर रहे हो, और एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, खुद को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम 1 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया महीना जो शुरू हो रहा है इसमें आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओ, और उसी के साथ साथ जो एग्ज़ाम है उसके लिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन जो है वो शुरू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री मार्क की गई है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर आप एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज, एक्सप्लेन सेक्शन, इसमें जो जो आर्टिकल्स हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उस पर नज़र डालते हैं। तो जब हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो इसमें मोस्टली हमें जो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं वही देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो भी पॉलिटिकल आर्टिकल्स रहेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है उन पर हम नज़र नहीं डालेंगे। अगर हम आइडिया स्पेस देखते हैं तो काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो पढ़ना कैसा पड़ता है ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है। नहीं तो क्या है, मोस्टली यहाँ पर क्या है, जो एडिटोरियल्स आए, आर्टिकल्स आए, जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो एक बार पढ़ लिए और हमारा न्यूज़पेपर कम्प्लीट हो गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको जो भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ होता है उसे कनेक्ट करना पड़ता है स्टैटिक पोर्शन से। देखिए इन दी एंड जो स्टैटिक पोर्शन है वही इम्पॉर्टेंट होता है, और बाकी जो करंट इवेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ठीक है, जो एकदम ही करंट इसमें चल रहा है वो आपको पूछ लिया, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो भी करंट सिनारियो में न्यूज़ में चल रहा है आपको स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड उस पर सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आर्टिकल 143 जो है ये न्यूज़ में चल रहा हो तो फिर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या फिर कुछ जो राय है वो मांगी गई थी, बल्कि ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 143 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपको सही स्टेटमेंट क्या है ये पूछा जाएगा। या फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा बंदा है न्यूज़ में चल रहा है और उस बंदे को सरकार ने कुछ भी बोलने के लिए अटक कर लिया है, मतलब डिटेन कर लिया है, मतलब उसे बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा किस बंदे की आज़ादी छीन ली गई है,
बल्कि ये बोला जाएगा कि आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूज़पेपर जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके से जो स्टैटिक पोर्शन है उसे कनेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें इम्पोर्टेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। वही अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल भी पॉलिटिकल है, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है हमने देखा हुआ है कौन कौन से जो चाइनीज़ ऐप है उन्हें बैन किया गया है वो हमने देखा है। अब यहाँ पर 59 चाइनीज़ ऐप जो है उन्हें बैन किया गया है। अब बैन करने के बाद यहाँ पर सरकार जो है उन्होंने किस बेसिस पर बैन किया था वो हमने देखा है कि बस सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर हैम्पर हो रही है, उस बेसिस पर यहाँ पर बैन किया गया है। अब जो सरकार है उन्होंने इनको कुछ समय भी दिया है कि आप यहाँ पर बताइए कि आप जो माइनिंग है, डाटा माइनिंग है, वो नहीं कर रहे हो, और अगर वो प्रूव कर लेते हैं तो हो सकता है कि फिर से जो ऐप बैन किए गए हैं वो फिर से आ जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ देखी जाएगी कि यहाँ पर जो भी डाटा है वो लीक तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी चाइनीज़ ऐप के ऑफिसेस हैं उनकी तरफ से यही बोला गया है कि हम किसी के साथ भी जो डाटा है वो शेयर नहीं करते हैं, किसी के साथ भी नहीं करते हैं, मतलब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनके साथ भी डेटा है वो शेयर नहीं होता है। तो ऐसे सिनारियों में आप देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है डेटा से रिलेटेड वो इन चाइनीज़ ऐप की तरफ से आता है और फिर गवर्नमेंट इनको अनुमति देती है या नहीं देती है। और उसी के साथ साथ ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए न्यूज़ आर्टिकल इम्पोर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर हम जो स्टैटिक पोर्शन है मतलब G20 बोलिए या फिर जो बाकी ऐसे समिट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पूरे न्यूज़ आर्टिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक आर्टिकल देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। पहले यहाँ पर आता है एन अनरिलायबल इमरजेंसी फंड। अब यहाँ पर अनरिलायबल इमरजेंसी फंड बेसिकली बोला किस लिए जा रहा है, ये बोला जा रहा है फॉरेक्स रिजर्व के लिए, फॉरेक्स रिजर्व। अभी आपको इसके बाद मतलब आगे आने वाली स्लाइड जो उसमें तो पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे ये बता सकते हो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें कौन कौन से जो एसेट्स है या फिर कौन कौन सी चीज़ें हम फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, कि क्या सिर्फ हम डॉलर्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं या अलग अलग कोई और चीज़ें भी हैं जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में हम रखते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या अभी बता सकते हो। आगे तो हम जानेंगे ही, क्योंकि वीडियोस का फ़ायदा तभी होता है जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। और वीडियोस में मैं आपको यहाँ पर जो न्यूज़ में चल रहा है वो तो बताता ही हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है उसने काफ़ी मार्क मतलब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, इतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है वो देखने को मिल रहा है। ओवर हाफ ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और इंडिया जो है वो सिर्फ चाइना और जापान जो है एशिया की अगर हम बात करें, चाइना और जापान के पीछे अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं, बाकी इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर एशिया में हमें देखने को मिलता है। रिसेंट फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमें दो चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्ज होते हुए देखने को मिले हैं, एक तो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा है सेविंग्स इन इंडियाज़ इंपोर्ट बिल। अब देखिए हालांकि ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब हमने देखा था कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है 500 क्रॉस कर लिया है तब मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी जो भी नए ज्वाइन होते हैं उनको भी पता चलना चाहिए। तो क्यों यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉरेक्स रिजर्व मतलब बेसिकली होता क्या है, तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे पास जो डॉलर्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब डॉलर्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं समझने के लिए डॉलर जो है उसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब है कि RBI के पास अगर डॉलर्स की बढ़ोतरी हो रही है इसका मतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, सबसे पहले तो बोला गया है इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके ज़रिए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरीके से इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए एंजेला जोली है, एंजेला जोली को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उनको यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्ट करना चाह रही है समझ लीजिए कि $100, ठीक है, $100 वो इन्वेस्ट करना चाह रही है। अब जब इन्वेस्टमेंट इंडिया में होती है तो डॉलर्स में होती है क्या, जी नहीं, वो होती है रुपी में। मतलब क्या है, एंजेला जोली को अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उन्हें उनके जो $100 है वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे रुपीज़ में। अब यहाँ पर वो कन्वर्ट किसके द्वारा करेगी, कंसिडर करते हैं हम, हाइपोथेटिकली कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर वो RBI के पास से ही यहाँ पर चेंज करेगी,
तो आरबीआई के पास वो आई, आरबीआई से कहा कि भैया मेरे पास ये, भैया नहीं बोला यहाँ पर आरबीआई के पास आई और बोली कि देखो मेरे पास यहाँ पर $100 है और मुझे रुपी में कन्वर्ट करना है। आरबीआई क्या करेगा, इनके जो $100 है अपने पास रख लेगा और बाकी जो रुपी है वो कन्वर्ट करके उनको दे देगा और फिर एंजेलिना जोली क्या करेगी, रुपी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेगी। मतलब आरबीआई के पास क्या हुआ, आरबीआई के पास यहाँ पर डॉलर्स बढ़ गए। उसी तरीके से अलग अलग लोग आए और उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। मतलब क्या है, डॉलर जो है ये यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, तो डॉलर यहाँ पर आरबीआई के पास आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आरबीआई के पास डॉलर्स बढ़ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखा है कि डॉलर मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो यहाँ पर समझ सकते हैं हम कि जो फॉरेन रिजर्व है वो यहाँ पर आरबीआई के पास बढ़ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसके वजह से क्यों बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है। दूसरा है कि इम्पोर्ट बिल जो है उसकी सेविंग्स इन इंडियाज इम्पोर्ट बिल। अब ये कैसे हम बोल सकते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुए हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्रूड ऑयल जब इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बैरल जो है वो कितने का होता है, तो हम कंसिडर करते हैं $50, ठीक है, डॉलर्स हो रहे हैं, $50 इज इक्वल टू 1 बैरल है, ठीक है, इतना हम कंसिडर करते हैं। तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि अगर कोई एक बैरल इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मैं अगर एक बैरल इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कितने देना पड़ेगा, $50 देना पड़ेगा। अब मेरे पास डॉलर्स है क्या, नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है रुपी। तो मैं क्या करूँगा, आरबीआई के पास जाऊँगा, आरबीआई को बोलूँगा कि भैया मेरे पैसे ले लो और मुझे $50 जो है वो तुम दे दो। अब आरबीआई अपने पास के $50 मुझे दे रही है, मतलब आरबीआई के पास जो डॉलर्स है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा मैं इंपोर्ट करूँगा, जितना ज़्यादा मैं यहाँ पर डॉलर्स मांगूंगा, उतने ज़्यादा कम आरबीआई के पास से फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो $50 था अब यहाँ पर ये कम हो गया है, ये $20 हो गया है। तो अब मैं जो पहले $50 आरबीआई से मांगता था, अब वो $20 ही मैं मांग रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि पहले आरबीआई के पास से $50 जा रहे थे, लेकिन अब $20 ही जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि एक तो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो डॉलर्स है वो बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पर इम्पोर्ट ये जो कम हो गया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो डॉलर जा रहे थे उसमें गिरावट देखने को मिली है। मतलब इफ़ेक्टिवली डॉलर्स में इंक्रीज़ देखने को मिला है, और इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। समझ में आ गया आपको पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन नए जो ज्वाइन होते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया है किस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। तो ये दो कारण जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 मंथ्स ये कंसिडर किया जाता है सफिशियंट। आरबीआई ने कंसिडर किया था कि भैया ऐसा है कि जो रुपी है, रुपी यहाँ पर गिर रहा है, रुपी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिर रही है। अब रुपी की वैल्यू गिर रही है तो आरबीआई ने कहा बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है बहुत ज़्यादा है। अब जब आरबीआई ने ऐसा कहा तो इसका क्या मतलब हो सकता है, किस तरीके से आरबीआई ये बोल सकता है, तो ये सब चलता है डिमांड एंड सप्लाई पर। ये भी चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है, डिमांड एंड सप्लाई जो है इस पर सारी चीज़ें चलती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आरबीआई के पास इतना ज़्यादा डॉलर है, तो डॉलर क्या करेगी, वो मार्केट में स्प्रेड कर देगी। अब डॉलर का अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो बट अब उसकी वैल्यू गिर जाएगी, है ना। तो यही वो कर सकती है कि डॉलर जो है मार्केट में डाल दो, रुपी जो है उसे सक कर लो, रुपी को सक कर लेगी, रुपी जो है उसकी यहाँ पर जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए आरबीआई ने बोला है कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सक्षम हूँ कि मैं रुपी जो है उसकी वैल्यू को कभी भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। थर्ड, फॉरेक्स रिजर्व जो है लाइकली अ वे फॉर इंडिया नाउ टू मेंटेन इट्स ग्लोबल रेटिंग। मल्टीपल रिडक्शन जो है जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स में देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर स्लोडाउन चल रहा है, तो स्लोडाउन के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेटिंग में गिरावट हो रही है। तो रेटिंग को अगर सही रखना है तो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व जो है जो बढ़ रहा है उसमें इंडिया को हेल्प मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए फॉरेक्स रिजर्व के बारे में अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। जब हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये एसेट्स होते हैं जो कि हेल्ड किए जाते हैं ऑन रिजर्व सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉरेन करेंसीज में, ठीक है, जिसमें बॉन्ड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। देखिए ये सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। इसमें बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होती है, बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, फॉरेन करेंसीज भी होती है, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे व्हाट डज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड, इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, मतलब जैसे डॉलर्स हो गए, है ना, चाइनीज युआन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग्स हो गए, यूरोज हो गए, तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं।
उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे गोल्ड जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से फॉरेक्स रिजर्व, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व बहुत न्यूज़ में चल रहा है यार, मतलब बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है और पॉजिटिवली न्यूज़ में चल रहा है कि हमारा इतना बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पहला आ जाएगा फॉरेन करेंसी, दूसरा आ जाएगा गोल्ड, तीसरा आ जाएगा SDR और चौथा आ जाएगा फॉर से यहाँ पर बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इसमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन से इसमें से इंक्लूड होते हैं, 1 and 2, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव एंड ये न वो, ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी और गोल्ड तो हमने देख लिया है, फॉरेन करेंसी और गोल्ड जो है वो इंक्लूड होते ही है। अब यहाँ पर आ रहा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है, IMF जो है उसके उसका हमें देखने को मिलता है। क्रिएट किया गया IMF के द्वारा 1969 में। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो रिजर्व पोर्शन विद द IMF, तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर SDR जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो IMF भी न्यूज़ में आ रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर IMF के बारे में भी बताना। तो IMF जो है, IMF ये प्राइमरी पर्पज़ है जिससे कि स्टेबिलिटी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम में वो मेंटेन रहे। मतलब अगर कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉरेन इसमें मॉनिटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो IMF जो है उसका ये फ़र्ज़ है कि भैया उसको मेंटेन रखो। अब कुछ यहाँ पर टाइमलाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि 1944 ईयर हम एस्टैब्लिश किया गया था, 189 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलते हैं, 115 नेशनलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्टाफ। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो 36 करंट जो लेंडिंग अग्रीमेंट है वो अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ IMF जो है उससे लोन लिया है अभी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा खासा। 1991 में जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे उस टाइम भी IMF जो है उसने हेल्प की थी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम अगले आर्टिकल पर आते हैं। पहले आर्टिकल में हमने जो भी करंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो कवर कर ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं जो कि बोल रहा है पुटिंग रिफॉर्म्स टू द रेस्ट टेस्ट सॉरी टेस्ट टेस्ट पर। अब यहाँ पर GST के बारे में बात की जा रही है। GST आप समझ गए होंगे, यहाँ पर GST जो है उसके बारे में बात की जा रही है। GST मतलब क्या है? GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब पहले सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कौन सा टैक्स देखने को मिलता था? सेल्स टैक्स देखने को मिलता था। लेकिन सेल्स टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती थी। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ फॉर से कि मैं जो एक मोबाइल फ़ोन है वो ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा हूँ और वो मैं बेचने के लिए, मतलब मैं दुकानदार हूँ तो मैं एक मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा हूँ, मैं वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा हूँ 1000 रुपये का। 1000 रुपये पे मैंने सेल्स टैक्स जो है वो पे कर दिया, ठीक है, सेल्स टैक्स फॉर से कि मैंने 100 रुपया सेल्स टैक्स पे कर दिया। अब यहाँ पर मैं कीमत कितनी, मैं अगर दुकानदार हूँ तो बट ऑब्वियस है कि मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, है ना, मैं 1000 में लेके दान तो नहीं करूँगा कि हाँ मैं 1000 में दे रहा हूँ, फिर मैं दुकान लगा के मतलब क्या है, इसमें मैं प्रॉफिट कमाऊँगा। तो इसमें प्रॉफिट कैसे कमाऊँगा मैं? तो यहाँ पर 1000 प्लस मैं अपना यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ऐड कर दूंगा, फॉर से कि मैं यहाँ पर 400 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ, प्लस जो मेरे ये 100 रुपये टैक्स में गए वो भी तो ऐड करूँगा ना, तो ये 100 रुपये टैक्स के भी ऐड हो गए। अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 1500 हो गया। अब यहाँ पर मैं जिसको बेचूँगा, ठीक है, मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ, अब ये भी तो सेल्स टैक्स पे करेगा, ये भी सेल्स टैक्स पे करने वाला है। तो ये जब सेल्स टैक्स पे करेगा तो अब ये पे करेगा 150 रुपये, ठीक है, ये कितना पे करेगा? 150 रुपये। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 150 रुपये हैं, ये 150 रुपये को अगर हम बाय फॉरगेट करते हैं तो इसमें जो 100 रुपये हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है इसका भी टैक्स हमें देखने को मिल रहा है ना, इसका भी टैक्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, मतलब ये टैक्स पे फिर टैक्स जो है वो पे किया जा रहा है, इसे हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो ये जो है ये हटाने के लिए फिर हमें वैट सिस्टम जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन वैट सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा खामियाँ थी, उसमें सर्विस जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे। तो फिर उसके बाद सरकार जो है वो GST लेकर आ गई। और वैट का एक ये भी था कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में, उन स्टेट्स पर था कि आपको वैट कितना लगाना है।
महाराष्ट्र में 18% अगर हो, गुजरात में हो सकता है 12% हो, दूसरे स्टेट में हो सकता है कि 10% हो। तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्सेस हमें देखने को मिलते थे। जो वैट लाया गया था ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग था, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी पर 18% यहाँ पर है, अगर गुजरात में देखा जाए 12% है, तो मैं गुजरात से गाड़ी खरीदूंगा, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही थी। वेयर हाउसेस का हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे, मतलब यहाँ पर वेयर हाउसेस जो है कम, जहाँ पर टैक्स है वहाँ पर खोल दो, ऐसे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, जो वैट है उसकी खामियों को पूरा करने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी सभी राज्यों में सेम है, है ना, ये सेंट्रलाइज है, सभी राज्यों में सेम है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, आप अच्छी तरीके से देखिए। प्रॉब्लम ये हुआ है कि वैट जो है, वैट पहले राज्य लगाए करते थे, स्टेट्स अपने हिसाब से लगाए करते थे। महाराष्ट्र ने 18% लगाए, गुजरात ने 12% लगाए, बाकी किसी राज्य ने 10% लगाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जीएसटी है वो सभी राज्यों में सेम है। मतलब अब यहाँ पर जो जीएसटी है मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, आप समझ लीजिए महाराष्ट्र को कितना पड़ रहा है, आप सभी स्टेट्स में 12% अगर लगा दिया है, सभी स्टेट्स में 12% लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र है उसे तो नुकसान हो रहा है ना, महाराष्ट्र को नुकसान हो रहा है, 6% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये 6% की भरपाई करेगा कौन, ये 6% की भरपाई जो है वो सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कहा था कि भैया हम तुमको देंगे। इसे हम कहते हैं कंपेंसेशन, जीएसटी कंपेंसेशन, कि भैया एक काम करो, तुमको जो नुकसान हो रहा है हम तुमको भरपाई करके दे देंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही अब जीएसटी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहली इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर तो लॉकडाउन आ गया है। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि अब लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, खरीद ही नहीं रहे हैं तो कोई जीएसटी पे ही नहीं कर रहा है, जीएसटी पे नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पैसा नहीं आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा नहीं आ रहा है तो इनको कंपेंसेशन नहीं मिल पा रहा है। अब जब इनको कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, इनको हो रहा है नुकसान स्टेट्स को, तो फिर ये भी जो पेंडेमिक आया उससे लड़ने के लिए कैसे सक्षम रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, डाइवर्सिटी जो है जीएसटी हैड कंटेंडेड विद द रिमार्केबल सक्सेस ऑफ टैक्स इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। पहले 2 साल जो थे, क्योंकि जीएसटी लागू हुए काफ़ी साल हो गए हैं, तो यहाँ पर जीएसटी के पहले 2 साल जो थे काफ़ी अच्छे भी थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। पहले 2 साल में काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है, काफ़ी अच्छा जीएसटी उनको देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गए हैं, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पर बेसिक कंपेंसेशन जो है उसकी बात की जा रही है। तो कंपेंसेशन कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा, एज अगेंस्ट एक्चुअल जीएसटी रेवेन्यू जो है वो इतना हमें देखने को मिला है, 95% ऑफ वेरी टॉल टारगेट। तो अब यहाँ पर क्या है, जब जीएसटी जितना टारगेट किया गया उतना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सरकार जो है वो खर्च भी नहीं कर पा रही है, यहाँ पर कंपेंसेशन नहीं दे पा रही, इनको कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है तो ये भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक्चुअल में जीएसटी की ये सारी प्रॉब्लम्स इस आर्टिकल के थ्रू बताई गई है। लेकिन अब हम आते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये जो है, ये आंकड़े पूछे जाए ये बिल्कुल बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको पूछा जाएगा ये कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो कि लेवी किया जाता है ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो रिप्लेस करता है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमारी कंट्री में, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसे रिप्लेस करता है। गूंस सर्विस टैक्स एक्ट जो है पास किया गया पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को और इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2017 को। अब यहाँ पर CAGR क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, या फिर CAGR ये मीन एनुअल ग्रोथ होता है, ग्रोथ रेट होता है इन्वेस्टमेंट ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड फॉर लॉन्गर दैन 1 ईयर। 1 साल से ज़्यादा का अगर हो तो उसके लिए ये होता है, ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड। अब यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो जीएसटी जो है, जीएसटी काउंसिल ये क्या है, ये एक स्टेटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टेटरी बॉडी है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि हमारे संविधान में इसका जिक्र किया हुआ है। एज पर आर्टिकल 279A अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल जो है इसका हमें सेंट्रल और स्टेट का फोरम, ज्वाइंट फोरम देखने को मिलता है, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू और फाइनेंस ये मेंबर होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड ईच गवर्नमेंट ये भी मेंबर होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट के जो वोट्स है वो 2/3 होते हैं और सेंटर के जो है वो 1/3 होते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेयर किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है कि कोवैक्सिन ये क्या है।
अब देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम परस्पेक्टिव से, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमको रहनी चाहिए, इसलिए लाया हूँ मैंने। कोवैक्सीन ये क्या है, इंडिया का कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट, हाउ लॉन्ग बिफोर दी अप्रूवल। इंडिया का टॉप ड्रग रेगुलेटर जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारत बायोटेक इंडिया को अलाउ किया है कि वो यहाँ पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जो है कोवैक्सीन के लिए वो कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ठीक है, बाहर का नहीं है, फर्स्ट इंडिजीनियसली। इंडिजीनियसली मतलब क्या है, देसी, देसी भी नहीं, देसी देसी, ठीक है, डेवलप किया है कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट यहाँ पर अप्रूवल के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप कोई ये करते हो, दवाई निकालते हो, तो ट्रायल तो होना चाहिए ना, तभी हम बोलेंगे कि हाँ मास्क इस पर हम दे सकते हैं उसको। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि कोवैक्सीन ये क्या है और ये डेवलप किससे, कोवैक्सीन ये वैक्सीन है डेवलप की गई है BBIL के द्वारा, जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट में, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अब यहाँ पर ये जो अप्रूवल है इसका मतलब क्या हो सकता है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हेड करते हैं CDSCO को, भारत बायोटेक अप्रूवल दिया है टेस्टिंग करने के लिए। अब ये अगर टेस्टिंग हो जाती है, फाइनलाइज हो जाता है, तो फिर इससे क्या होगा, इससे इंडिया की ग्रोथ को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। क्योंकि बट ऑब्वियसली इंडिया में अगर ये हो जाता है और ये सक्षम हो जाता है, ये अगर अप्रूव हो जाता है, ये अगर इफेक्टिव होता है, तो जितनी भी कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है। और उसी के साथ साथ अदर इंडियन कंपनीज जो है जो काम कर रही है वैक्सीन इस पर, वो कौन से स्टेज पर है। क्लिनिकल ट्रायल जो ह्यूमन क्लासिफाइड 3 फेजेस में होता है, Phase 1, Phase 2, Phase 3। और यहाँ पर क्या होता है कि जो बाकी इंडियन फर्म है वो यहाँ पर वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे वैक्सीन जो है वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन देखिए काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक आपने सीधा बोला कि हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये काम करने वाली इफेक्टिव है और वो सीधा मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज़ में आपको वहाँ पर दिखाना होता है कि कौन कौन से वैक्सीन हो रही है, फिर सेकेंड फेज़ होता है जिसमें आप वहाँ पर डेवलप करते हो, फिर उसके बाद होता है कि आपको लोगों पर ट्रायल करना है, फिर उसके बाद सक्सेस रेट कितना है, फेलियर रेट कितना है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और फिर फाइनली ऐसा होता है कि आपको अप्रूवल मिलता है, और फिर आपको अप्रूवल मिलने के बाद आप उसको बेच सकते हो। अब देखिए जो कोवैक्सीन है ये ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, अगर आप देखो तो बाकी कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, और हो सकता है कि इसको जल्द से जल्द जो अप्रूवल है वो भी मिल जाए। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ 200 कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट्स 15 हैव एंटर्ड क्लिनिकल ट्रायल। सिर्फ 15, मतलब 200 अगर हम देखें उसमें से 15 जो है क्लिनिकल ट्रायल पर गए हैं कि हाँ भैया तुम यहाँ पर ट्रायल जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर AstraZeneca ये जो है वर्ल्ड लीडिंग कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट है, जो कि फाइनल स्टेज पर, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आपको बॉडीज पूछी जाती है। देखिए न्यूज़ में जो भी बॉडीज रहेगी वो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये आपको बताएं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। ये एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जो कि अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करती है टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। इसके 6 जोनल ऑफिसेस हैं, तो ये भी चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल नहीं है, न्यूज़ आर्टिकल है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ स्टैटिक पोर्शन पर ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर है कि इंडिया जो है उसने स्टार्ट किया है टू रीच आउट जयशंकर डायल्स काउंटर पार्ट इन फ्रांस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है जयशंकर, उन्होंने यहाँ पर काउंटर पार्ट जो है फ्रांस में, उनसे यहाँ पर बात की, डिस्कस किए इश्यूज ऑन कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली। इंडिया जो है वो यहाँ पर 6 फुल्ली लोडेड फ्रेंच रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर ले सकता है बाय द नेक्स्ट मंथ। और वॉर जेट जो है जो यहाँ पर फिटेड आती है मेटर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ, वो भी यहाँ पर आ सकती है। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उसे यहाँ पर सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। एज ऑन मंडे यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जर्मनी इज़ अ की पार्टनर, ठीक है, इट इज़ ऑन UNSC एज नॉन परमानेंट मेंबर, और जो प्रेसिडेंसी है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर ये हेल्ड कर रहा है, तो ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम ग्लैंस देखें तो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये यहाँ पर स्टैब्लिश 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन्स है उसमें से एक है, और इसमें हमें 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या आप 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बता सकते हो?
यूरोपियन यूनियन, ये हमें देखने को मिलता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स का, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे G20 प्रेसिडेंसी, G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 जो इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, फाउंड किया गया था 1999 में और एम करता है कि पॉलिसी पर्टेनिंग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। तो G20 जो है अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है। उस कंट्री तक पहुँचने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, तो ये आप देख सकते हो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर रहे हैं, अंडमान सी को क्रॉस कर रहे हैं, मलक्का स्ट्रेट, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कंबोडिया, यहाँ पर वो कंट्री हमें देखने को मिल रही है जो कि है वियतनाम। तो ये वो कंट्री है जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। तो यहाँ पर आप बाकी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो, साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।